अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्लांटेशन के शौक के साथ साथ अगर हम अपनी हेल्थ का भी ख्याल करते हुए कुछ मेडिसिनल प्लांट्स या हर्बल प्लांट्स लगाएं तो कितना ही अच्छा होगा। तो ऐसे ही मेरे पास लेमन ग्रास का एक प्लांटर था। लेमन ग्रास तो मेरे पास काफ़ी सालों से था, बट 2 साल पहले थोड़ी मिस्टेक हुई और वो ख़त्म हो गया। तो अब ये तकरीबन 1 साल हो गया। मज़ीद मेरे पास, मैंने एक पॉट मंगवाया था जो कि मुझे तकरीबन 200 में मिला था। ये 12 इंच का पॉट है और उसमें ये वाला लेमन ग्रास लगा हुआ था। ये देखें, ये मैं इसको थोड़ा सेट करना चाह रही थी। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही थी और ये शेडी एरिया में पड़ा था। तो जब मैंने सोचा कि इसको मैं एक पॉट से 2 पॉट्स में डिवाइड करूँ, तो ध्यान आया कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये सारा प्लांट मैंने इसके ऊपर से जहाँ से कट कर लिया है, और ये देखें इस तरह से इसके सर्कल्स निकलते रहते हैं, रूट्स में से प्लांट्स जर्मिनेट होते रहते हैं, और इनको मैंने निकाल लिया है इधर। ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5 प्लांट हैं। तो मैं इनको तकरीबन लगा के काफ़ी सारे प्लांटर्स में डिवाइड करना चाह रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इनको इस वाले पॉट में ग्रो करूँगी। इसमें नीचे टोटली किचन वेस्ट वगैरह भरा हुआ था और काफ़ी दिनों से मेरे पास पॉट खाली पड़ा हुआ था। तो चलें इसको हम लगाते हैं। तो इसको जगह जगह होल बना के तो इसके अंदर मैं इन सर्कल्स को सेट कर दूँगी। लगाने के लिए तो इतना भी काफ़ी है कि अगर हम इसी एक को लगा के पॉट के सेंटर में छोड़ दें तो भी प्लांट बहुत अच्छा बन जाएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हर्बल प्लांट है। इसका कहवा बना के पिया जाता है और इसके लीव्स में से इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी स्मेल आती है, बिल्कुल जैसे लेमन में से आ रही होती है। नज़ला ज़ुकाम में भी ये अच्छा होता है। इसके अलावा इसको आप वेट लॉस करने के लिए भी इसका कहवा यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिट रखता है प्लांट। तो यूँ हम एक प्लांट से बहुत से मज़ीद प्लांट्स बना सकते हैं। काफ़ी दिनों से मैं इस पर वीडियो बनाना चाह रही थी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था और कुछ थोड़ा अलकस समझ लें कि चले हो जाएगा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि आज ये काम कर ही लिया जाए क्योंकि मौसम अच्छा है और सूटेबल मौसम में अगर हम प्लांट्स को डिवाइड करके एक से मज़ीद प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत इजीली बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डालूंगी और फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। जी, तो देखा आपने घर में प्लांट्स लगाने का फ़ायदा कि एक पॉट में से ये मज़ीद एक पॉट भी तैयार हो गया और इतना सारा लेमन ग्रास फ्री में मेरे पास आ गया। अब इसको अच्छी तरह से वॉश करके एक दिन सुखा के तो मैं इसको छोटे छोटे से पीसेस में कट करके अपने पास किचन में सेव कर लूँगी और बवक्त ज़रूरत इसको यूज़ करती रहूँगी। तो यूँ हम आसानी के साथ एक पॉट से 2 पॉट या मज़ीद इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ, और बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा कहवा पीने को मिलता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ये लेमन ग्रास के बेनिफिट्स पे बात होगी और ऐसे ही किसी वीडियो में इसकी केयर के मुतालिक बात करेंगे हम, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में टोटली इन्फॉर्मेशन देने लगी तो एक तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, दूसरा अजान होने वाली है। तो आज का वीडियो बस इतना ही कि इस तरह से हम लेमन ग्रास को कट करके
या इसके सकज निकाल के। अब मज़ीद भी अगर मैं चाहती तो ये देखें, ये जितनी स्टिक्स हैं इतने ही प्लांट्स हैं। मैंने अभी सिर्फ इधर एक निकाल लिया स्टिक मोटी वाली, और बाकी छोटे छोटे जो इस तरह के सकज निकले हुए थे उनको मैंने सेपरेट किया है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।